ये सब के सब एम ए होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एम ए, तो डेफिनेटली वो भी एम ए होगा। तो नेक्स्ट, द पीएच ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग वाइट आर 6.8, 5, 4.2, 2.2 एंड 7.8 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी फिर से हमें पीएच दे दिया गया है और हमें जो निकालना है वो है कि इनकी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकालनी है। फिर से पीएच ऑफ मिल्क दे दिया गया था 6.8, फिर हम एंटी लॉग निकाल लेंगे फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंटी लॉग ऑफ -6.8 दैट विल बी गिवन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7 एम। फिर आप पी एच ऑफ ब्लैक कॉफ़ी जो कि 5 है उससे हम निकाल लेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -5, एंटी लॉग ऑफ -5 तो वो निकलते 10 टू द पावर -5 एम। फिर पी एच ऑफ टमाटो जूस इज इक्वल टू 4.2, तो हाइड्रोजन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो होगी एंटी लॉग ऑफ -4.2, उसका जवाब निकल पाए आपका 6.31 इंटू 10 टू द पावर -3 एम। फिर पी एच ऑफ लेमन जूस 2.2, तो हम कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ -2.2, इसका जवाब निकलेगा आपका फिर से 6.31 इंटू 10 टू द पावर -3 एम।